हेलो डियर आल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। काफ़ी परेशान थे TDPG कॉलेज एंड तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के बच्चे जितने थे, सब बच्चे परेशान थे सर कि मेरा एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। मैं बहुत परेशान हूँ, फॉर्म तो एक महीना पहले भर के बैठा हूँ, तैयारी भी लगभग मेरी हो ही गई है, क्योंकि टारगेट गुरुकुल है तो तैयारी में क्या ही दिक्कत होगी आपको। तो यहाँ पर आपका जो शेड्यूल है सर, वो जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 11 तारीख से 11 जुलाई से आपका पेपर शुरू है। पहला पेपर आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका BSc बायो और MSc और MA के आपके पेपर शुरू होगी। दूसरा BCom, फिर आपका 11 को आपका देखिए यहाँ पे MSc रसायन विज्ञान और MA गृह विज्ञान आपका होने वाला है। मतलब टोटल आप पेपर देखेंगे, 3 शिफ्ट में पेपर आपका हो रहा है, एक दिन में 3 शिफ्ट, यानी 8 से 10, फिर 12 से 2, फिर आप देखेंगे यहाँ पे 3 से 3:30 से 5:30 बजे तक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 3:30 से 5:30 तक आप लोगों का 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, और पूरा शेड्यूल आपके स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक, ये शेड्यूल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, और आपको टारगेट गुरुकुल टेलीग्राम आपने ज्वाइन किया होगा, नहीं किए हो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, टेलीग्राम पर मैं PDF भेज दूंगा, वहाँ से भी आप पूरा शेड्यूल डाउनलोड कर लेना। जैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा, जो भी अपडेट आती है टारगेट गुरुकुल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा, और ऑफिशियल वेबसाइट भी आप हमेशा विजिट करते रहें। ठीक, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बता दें तैयारी के लिए, तो आपको पता होगा सर कि यहाँ पे LLB मुझे क्या पढ़ना है, BA में क्या पढ़ना है और BSc में क्या पढ़ना है। ठीक, तो जब आपको पता है कि आपको पढ़ना क्या है, कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, टारगेट गुरुकुल यूट्यूब चैनल ऑन करना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, और हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बना के आपके लिए रख दी है। ठीक, तो प्लेलिस्ट को आपको 1:1 फॉलो करना है, जितने वीडियोज़ हैं, जैसे आपका हिस्ट्री का अलग है, लीगल का अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन का अलग है, पॉलिटी का अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का अलग प्लेलिस्ट है, रीजनिंग के प्लेलिस्ट अलग है, तो आप लोग GK की प्लेलिस्ट अलग है, सब जो आपके सब्जेक्ट में है उसको उठाओ, आप पूरा पढ़ के ख़त्म कर दो। ठीक, तो पूरी तैयारी जो आपने की है उससे कोई मतलब नहीं, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ के जाओगे तो लगभग आप मान चलो कि अप्रॉक्स 90% क्वेश्चन आप वहीं से करके आओगे। ठीक, थैंक यू सो मच। जल्दी से जल्द टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लो, देख लो कौन सा एग्जाम आपका कब होने वाला है, और अपनी तैयारी को एक अलग मार्गदर्शन पे लिख जाओ। थैंक यू सो मच।